वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ भक्ति परंपराएं सगुण और निर्गुण। इसका आधा भाग हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, उसे आगे बेटा मैं अब आपको करा रही हूँ। तो पिछले वीडियो से आगे है बेटा मुख्य लोकप्रिय भक्ति आंदोलन। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन जो चले वो सातवीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक बेटा ईस्वी पूर्व तक चलते रहे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विकास वो 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के ईस्वी के बीच में हुआ, जो कि धार्मिक समानता और व्यापक सामाजिक भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित था। मतलब एक तरीके से कहिए कि सभी लोग धार्मिक रूप से हम समान हैं और सामाजिक रूप से भी हम समान हैं, इस आधार पर यह भक्ति आंदोलन शुरू हुए थे। तो शिव के अनुयायी थे नयनार और विष्णु के भक्त थे अलवार। इन्होंने पल्लवों, पांड्यों, चोलों के शासनकाल में, पल्लव वंश के टाइम में, पांड्य वंश के टाइम में, चोल वंश के टाइम में भक्ति संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति के जो पैरोकार थे उन्होंने जानबूझकर जैनियों और बौद्धों के द्वारा जो समर्पित तप प्रथाएं थी उनको खारिज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने मोक्ष के सीधे मार्ग के रूप में ईश्वर की प्राप्ति को व्यक्तिगत भक्ति के विचार का समर्थन किया। मतलब कि अगर आपको मुक्ति चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, तो व्यक्तिगत रूप से भक्ति कीजिए। तो जाति व्यवस्था के कठोर जो एक तरह से जो यहाँ के नियम थे उनकी उपेक्षा की गई, उनको अनदेखा किया गया और दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ईश्वर के प्रति प्रेम और व्यक्तिगत भक्ति के संदेश का प्रचार किया गया। भैया ईश्वर की भक्ति कीजिए। शिक्षाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय भाषाओं में संवाद किया गया, ताकि शिक्षाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। इस बात का ध्यान रखते हुए जो वहाँ की लोकल भाषाएं थी उनमें प्रचार प्रसार किया गया। तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन चले उनकी हम चर्चा करेंगे। 12वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में काफी प्रमुखता मिली। खास तौर पर लोग इन्हें दक्षिण आंदोलन के विस्तार के रूप में देखते हैं, क्योंकि जो दक्षिण में आंदोलन चल रहे थे उनके विस्तार के रूप में उत्तरी भारत के आंदोलनों को देखा जाता है। तो प्रत्येक क्षेत्र में, उत्तरी भारत के प्रत्येक क्षेत्र में भक्ति की जो अलग अलग व्याख्याएं मिली वो संतों के बीच में अब पढ़ने को हमें मिलेंगी। मध्यकालीन उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन पर इस्लाम के प्रवेश का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। मध्यकालीन जो उत्तर भारत था उस पर जब इस्लाम आया तो इस्लाम का काफी प्रभाव पड़ा। तो मौलिक इस्लामी सिद्धांत जैसे एक वचन ईश्वर यानी कि एकेश्वरवाद में विश्वास, ईश्वर एक ही है, अल्लाह एक ही है, समानता और भाईचारे का आदर्श और अनुष्ठानों और वर्ग विभाजनों की अस्वीकृति ने इस अवधि के दौरान भक्ति आंदोलन को गहराई से आकार दिया। भक्ति आंदोलन काफी ज्यादा इस टाइम गहराता चला गया। आंदोलन ने कुछ सामाजिक सुधारों को भी तरीके से प्रमोट किया, कुछ सामाजिक सुधार भी आए इसकी वजह से। तो कहाँ कहाँ किस तरीके से रहे इनके बारे में हम बात करेंगे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन जब चला तो महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा को वास्तव में भागवत पुराण जैसे ग्रंथों से प्रेरणा मिली। मतलब कि महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन आया वो कहीं ना कहीं भागवत पुराण की वजह से आया। शैवनाथ पंथियों से प्रभावित था। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे संत यहाँ पर रहे प्रसिद्ध इस एरिया के। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन कैसे रहे। कश्मीर में शैव भक्ति 14वीं शताब्दी में कश्मीर में काफी फली फूली। ललितद्वत परंपरा से जुड़े हुए प्रमुख संत थे जो कि एक रहस्यवादी कवि संत थे। उन्होंने कश्मीरी शैव दर्शन के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिन्होंने लिखा है खा कर रोज खाएगा नहीं और ना खाएगा तो बनेगा अभिमानी। तो गुजरात वल्लभाचार्य प्रमुख संत थे यहाँ के। इनका संप्रदाय जिसे पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय कहा जाता है, भगवान कृष्ण की भक्ति पर इनका जोर होता है पूरी तरह से। और मध्यकालीन गुजराती कवि संत नरसिंह मेहता अपनी भक्ति रचनाओं विशेष रूप से भक्ति वजन वैष्णव जन के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये वल्लभ संप्रदाय से ही आते थे जिन्होंने ये भजन लिखा था। कर्नाटक में वीर शैव ने वास्तव में सामाजिक आलोचना के साथ कट्टरपंथी भक्ति का प्रचार किया। वीर शैव यहाँ से प्रसिद्ध थे बेटा। वीर शैव आंदोलन प्रचलित सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हुए भक्तिपूर्ण और समतावादी दर्शन को बढ़ावा देने में सहायक था। यहाँ पर वीर शैव आंदोलन चला था कर्नाटक में। असम में 15वीं शताब्दी के अनसंत विद्वान शंकर देव द्वारा विष्णु और कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित किया गया पूरी तरह से समाज को, और जाति भेद की इन्होंने निंदा की और भक्ति की सार्वभौमिकता पर इन्होंने जोर दिया। अब मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उनकी हम बात करेंगे। जैसे थे शंकराचार्य जी, तो ये लगभग 788 से 820 के मध्य ये रहे। तो रहस्यवादी भक्ति कवि संतों में से एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने हिंदू धर्म को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। शंकराचार्य
केरल के कलाड़ी में जन्मे थे। इन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन तैयार किया जिसमें निर्गुण ब्राह्मण की अवधारणा पर जोर दिया गया। निर्गुण ब्रह्म है जो कि गुणों के बिना एक भगवान का प्रतिनिधित्व करता था, कि एक ऐसा ईश्वर जिसके कोई गुण नहीं है, जिसके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। तो अद्वैत जो है वो दुनिया की वास्तविकता को नकारता है, ये कहता है कि दुनिया मोहमाया है। तो ये दावा करते हुए कि ब्रह्म ही वास्तविक जो है एक हकीकत है, एक सच्चाई है, इस बात को मानते हुए अद्वैतवाद की बात यहाँ पर बताती थी। तो संसार अपनी वास्तविकता मूलभूत ब्रह्म से प्राप्त करता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब ब्रह्म सत्य है ये जगत मिथ्या है। तो शंकराचार्य ने मोक्ष के एकमात्र मार्ग के रूप में ज्ञान के महत्व पर रेखा दी थी, ज्ञान प्राप्त कीजिए। शंकराचार्य की लिखी हुई जो कृतियां थी उनमें से उपदेश सहस्री, विवेक चूड़ामणि और भज गोविंदम शामिल हैं इनकी लिखती हुई रचनाओं में। इसके अलावा भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद पर भाष्य की रचना भी इन्होंने की थी। द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ में इन्होंने मठ स्थापित किए। रामानुज की बात करें तो 1017 से 1137 के बीच ये रहे। 1017 में जन्म हुआ, 1137 में इनकी मृत्यु हुई। 12वीं शताब्दी में आधुनिक चेन्नई के पास श्री पेराम्बूर में जन्मे रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत को दिया, जिसे कि नाम दिया जाता है विशिष्ट अद्वैतवाद। इनके शिक्षाओं के अनुसार ईश्वर सगुण ब्रह्म है, मतलब कि सगुण भक्त थे ये, गुणों से युक्त है और सृष्टि में सभी संस्थाओं के साथ रचनात्मक प्रक्रिया होती है। भ्रामक के बजाय वास्तविक, मतलब वो है सच में, भ्रामक नहीं है, ईश्वर आत्मा और पदार्थ वास्तविक है, इनका कहना था। ये कहते हैं कि ईश्वर आंतरिक तत्व है और अन्य उसके गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विशेषता द्वैतवाद में ब्रह्मांड और ब्रह्म को द्वैतवाद की तरह ही दो समान रूप से वास्तविक संस्थाओं के रूप में देखा जाता है। मतलब वो कहते हैं कि ब्रह्मांड भी है, ये संसार भी है और ब्रह्म भी है। तो ब्रह्मांड ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन बल्कि ब्रह्म का ही उद्भव, यानी कि ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। जैसे कि समुद्र से लहरें पैदा होती हैं, तो जहाँ ब्रह्म समुद्र है और दुनिया की संस्थाएं सारी की सारी जो है वो दोनों जीवित और निर्जीव लहरें हैं। तो रामानुज के दृष्टिकोण के ब्राह्मण को एक अत्यधिक व्यक्तिगत देवता के रूप में चित्रित किया गया था, ब्रह्म को, जिसे अक्सर विष्णु या उनके अवतारों के रूप में पहचाना जाता है। तो मानव जाति को शेष दर्जा प्राप्त किया उन्होंने और वो ईश्वर के करीब हैं ऐसा मानते थे। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण के मार्ग बताते थे, प्रभाती मार्ग की वकालत करते थे और हाशिए पर पड़े व्यक्तियों का वैष्णववाद में स्वागत किया इन्होंने, यानी कि जो लोग थे जो निचले तबके के माने जाते थे उनको भी इन्होंने वैष्णववाद में शामिल किया और भक्ति के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा इनका कहना था। इनके उल्लेखनीय कार्यों में श्री भाष्य, वेदांत दीप, गीत भाष्य और वेदांत सारी इन्होंने लिखे। अगली बात करेंगे हम माधवाचार्य जी की, जो कि 1238 से लेकर के 1317 के बीच रहे। ये कन्नड़ से आते थे। इन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के द्वैतवाद की वकालत की और द्वैतवाद का प्रचार किया। दुनिया एक भ्रम नहीं है बल्कि वास्तविक भेदों से चिन्हित एक मूर्त है, वास्तविकता है, ये भी कहीं ना कहीं सगुण भक्ति की वकालत करते थे। तो ईश्वर आत्मा और पदार्थ एक दूसरे से अलग हैं, अद्वितीय अघुलनशील प्रकृति के अधिकारी, मतलब ये सभी के सभी ईश्वर आत्मा और पदार्थ एक दूसरे से अलग अलग चीजें हैं। द्वैतवाद के देवता विष्णु हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण का श्रेय दिया है। इनकी द्वैतवाद के देवता विष्णु हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है। ब्रह्मांड को ईश्वर से अलग माना जाता है जिसका कोई आंतरिक स्थान नहीं है। तो विष्णु सभी सांसारिक मामलों पर नियंत्रण करते हैं, यानी कि विष्णु का यहाँ पर कहा जाता है इसमें द्वैतवाद में कि यही सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं और भगवान की पूजा और प्रार्थना करना सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है, ये इसकी शिक्षा थी। आगे करेंगे बात निम्बार्क की। रामानुज के समकालीन थे निम्बार्क। इन्होंने भेद अभेद के अंतर गैर अंतर के सिद्धांत पर जोर देते हुए द्वैताद्वैत दर्शन की शुरुआत की थी। तो व्यक्तिगत आत्माएं और परमात्मा अलग अलग है, वही एक गैर भिन्न पहलू भी है जो एक साथ एकता का प्रतीक है। निम्बार्क ने तेलंगाना क्षेत्र में वैष्णव भक्ति का प्रसार किया और सनक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में इनको माना जाता है। अगली बात करेंगे हम वल्लभाचार्य जी की, जो कि 1479 में जन्मे, 1531 तक रहे। बनारस में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। भगवान कृष्ण की पूजा करके भक्ति के अपने सिद्धांत का इन्होंने प्रचार किया, जिन्हें वे प्यार से श्रीनाथ जी कहा करते थे। तो उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की जिसे अनुग्रह के मार्ग के रूप में मान्यता दी गई और भक्तों को प्रेम के अलावा बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना श्रीनाथ जी को निस्वार्थ प्रेम और भक्ति प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। ये शुद्ध अद्वैत के दर्शन का निर्माण करते हैं, जो कि पुष्टि मार्ग भक्ति अभ्यास का आधार बनाता है। वल्लभाचार्य जी का शुद्ध अद्वैत विशिष्ट अद्वैत के बराबर है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है, इनका मानना था एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है ये, और जहाँ ब्राह्मण एक तरफ है और ब्रह्मांड दूसरे का गठन करता है। तो इसको शुद्ध अद्वैत कहा गया था, जो बिना किसी बदलाव के
एकता की अवधारणा को बताता है। तो वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी और इनके शिष्य सूरदास के साथ मिलकर इन्होंने उत्तर भारत में कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले थे विद्यापति, जो कि लगभग 1352 में जिनका जन्म हुआ 1448 तक रहे। प्रमुख मैथिली कवि और विद्वान थे। बेसिकली ये मैथिली कवि और विद्वान थे। मिथिला क्षेत्र से आने के कारण इनका साहित्यिक योगदान विभिन्न शैलियों में हुआ है, लेकिन वो अपनी उत्कृष्ट कविता के लिए जाने जाते हैं। कविताएं बहुत बेहतरीन लिखते थे, खासकर प्रेम और भक्ति के बारे में। तो विद्यापति को शिव को समर्पित अपनी कविता के लिए प्रसिद्धि मिली, जिसे हम प्यार से उगना कहते थे। तो मैथिली में लिखी गई उनकी कविता अक्सर अपनी जन्मभूमि की लोक कथाओं और परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए प्रेम, अलगाव और भक्ति के विषयों की खोज करती है। तो मिथिला साम्राज्य में एक दरबारी कवि के रूप में काम करते हुए विद्यापति की रचनाओं को शाही संरक्षण प्राप्त हुआ। इनकी वो राजा के दरबार में लेखन का कार्य करते थे और वहां से इनकी कविताओं को, इनके लेखन को संरक्षण मिला। राजा ने प्रोटेक्ट किया, प्रमोट किया। तो विद्यापति की प्रेम कविता विशेष रूप से पदावली मानवीय भावनाओं की जटिलता को उजागर करती है। इन्होंने बेसिकली सब एक जो मेन लिखी थी वो लिखी थी पदावली। तो क्षेत्रीय मैथिली भाषा में निहित होने के बावजूद विद्यापति संस्कृत साहित्य और दर्शन में भी पारंगत थे। लेकिन लिखते तो हमेशा मैथिली भाषा में ही थे ज्यादातर, लेकिन उन्हें संस्कृत और दर्शन का भी काफी ज्ञान था। आगे बात करेंगे हम महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन चले उनकी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन पंढरपुर के प्रमुख देवता विठोबा या विठल की पूजा के आसपास केंद्रित था, जिन्हें कृष्ण की अभिव्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई। कृष्ण का ही एक रूप माना जाता था विठल को। इसने मराठी साहित्य के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ से मराठी साहित्य काफी रिच हुआ, महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाया और जाति भेद को तोड़ने में भी काफी योगदान दिया। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन ने भागवत पुराण और शिवनाथ पंथियों से प्रेरणा ली। यानी कि महाराष्ट्र जो था वो कहाँ से प्रेरित था? भागवत पुराण से और शिवनाथ पंथियों से। तो इस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन दो क्षेत्रों में विभाजित होता है, वर्करी और धारकरी। वर्करी कौन है? पंढरपुर के भगवान विठ्ठल के समर्पित अनुयायी जो अपने भावनात्मक, सैद्धांतिक और अमूर्त दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित हैं। और धारकरी होते हैं रामदास के पंथ के समर्पित अनुयायी, भगवान राम के भक्त जो अपने अतर्क संगत, ठोस और व्यवहारिक विचारों के लिए जाने जाते हैं। एक तो करते हैं विष्णु विठ्ठल को समर्पित है, यानी कि कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण का ही रूप है विठ्ठल, और दूसरे राम को समर्पित है। तो कृष्ण को समर्पित जो है उनको कहते हैं वर्करी, और जो राम को समर्पित है उन्हें कहते हैं धारकरी। तो इन मतभेदों के बावजूद दोनों संप्रदाय मानव जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य के रूप में ईश्वर को महसूस करने के सामान्य लक्ष्य को साझा करते हैं। दोनों का ही मकसद है कि ईश्वर को आप महसूस कीजिए। तो विठोबा पंथ से जुड़े हुए प्रमुख संतों में ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव, तुकाराम और नामदेव शामिल हैं। तो इनकी बात करें, ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एक रहस्यमयी कवि थे। भगवद गीता पर एक टिप्पणी लिखी थी इन्होंने, जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। जाति भेद का इन्होंने खूब विरोध किया और इस बात पर जोर दिया कि भक्ति ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। ज्ञानेश्वरी के अलावा उपनिषद दर्शन में निहित अमृतानुभव और हरे की स्तुति करने वाला एक भक्ति गीत हरिपथ भी इन्होंने लिखा था। अगली बात करेंगे नामदेव की, जो कि 1270 से 1350 के लगभग रहे। महाराष्ट्र के एक संत थे। शुरू में एक दर्जी के रूप में काम करते थे और एक संत बनने की इनकी बड़ी ही यात्रा परिवर्तनकारी रही। उसके बाद पहले इन्होंने दस्यु की ओर रुख किया, यानी कि दस्यु भी थे कुछ टाइम तक, और मराठी में अपनी कविता की रचना करते हुए नामदेव के छंद भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति की तीव्र भावना को इन्होंने प्रसारित किया। हिंदू धर्म की दादू पंथ परंपरा के भीतर नामदेव को दादू, कबीर, हरदास और रविदास के साथ पांच गुरुओं में से एक के रूप में दर्जा प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि नामदेव के अभंगों को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला था। नामदेव के ही अभंग थे जिनको गुरु ग्रंथ साहिब में जगह मिली थी। उनकी यात्राएं उन्हें बहुत दूर दूर तक लेके गई और दिल्ली में सूफी संतों के साथ भी इनकी चर्चा काफी होती थी। अगले थे संत एकनाथ। भगवान विष्णु और उनके अवतारों के प्रति समर्पण की विशेषता वाली हिंदू धर्म की शाखा थी इनकी वारकरी संप्रदाय, और वैष्णववाद के विद्वान के रूप में इन्हें जाना जाता है। संत एकनाथ ने मराठी साहित्य को समृद्ध किया, यानी कि इन्होंने मराठी में लिखा। इन्होंने विभिन्न संस्कृत ग्रंथों का मराठी में अनुवाद किया संत एकनाथ जी ने, और मराठी साहित्य के और आध्यात्मिकता से कथात्मक रचना की और स्थानांतरित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक पारिवारिक व्यक्ति थे, लेकिन संत एकनाथ ने मराठी धार्मिक गीत का एक नया रूप पेश किया जिसे भरुड़ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक जीवन जीने के लिए मठों में रहना या दुनिया से अलग हो जाना जरूरी नहीं है। विशेष रूप से उन्होंने घरेलू कर्तव्यों और धार्मिक भक्ति की मांग के बीच संघर्ष के समाधान में काफी योगदान दिया। जाति भेद के खिलाफ संदेश प्रचारित किया इन्होंने, और ईश्वर की दृष्टि में ब्राह्मण और जाति बहिष्कृत या हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई अंतर नहीं। उनका कहना था
अगले थे तुकाराम जो कि 1608 से 1650 के बीच में रहे। मराठा शासक शिवाजी महाराज और एकनाथ और रामदास जैसे अन्य संतों के समकालीन कवि थे, उसी दौर में हुए थे। इनकी अपनी कविता हिंदू भगवान विष्णु के अवतार विठोबा या विठल को समर्पित हुआ करती थी। मराठी में अपने अभंगों के लिए प्रसिद्ध है। अभंग कहते हैं इनके दोहों को। इन्होंने भक्ति काव्य विरासत गाथा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और मराठा राष्ट्रवाद के लिए आधार तैयार करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने समुदाय आधारित पूजा की वकालत की जिसमें कीर्तन के नाम से जाने जाने वाले आध्यात्मिक गीतों पर जोर दिया जाता था। इनकी शिक्षाएं थी धर्मपरायणता, क्षमा और मन की प्राप्ति के लिए, मन की शांति के लिए गुणों पर केंद्रित थी। अगले थे रामदास जी, लोग लगभग 1608 से 1681 के बीच रहे। एक श्रद्धेय आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने शिवाजी के अधीन मराठा साम्राज्य को आकार देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि रामदास ने मराठी भाषा में अद्वैत वेदांत पर एक ग्रंथ दास बोध लिखा। दास बोध में उन्होंने आध्यात्मिक जीवन, गुरु की विशेषताएं, गुरु की आवश्यकता, सच्चे शिष्य की योग्यता, माया, आध्यात्मिक अनुशासन का महत्व, सच्चा और गलत ज्ञान, भक्ति और मुक्ति सहित आध्यात्मिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। दास बोध के अलावा उनके अन्य उल्लेखनीय कार्यों में करुणाष्टके और मनचे श्लोक भी शामिल हैं। यानी कि समर्थ रामदास ने जाति भेद का काफी विरोध किया था और धार्मिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को भी काफी प्रोत्साहित किया था। इसके बाद है गैर सांप्रदायिक भक्ति आंदोलन, जो कि गैर सांप्रदायिक के थे। इनके बारे में बेटा हम देख ले, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो गैर सांप्रदायिक भक्ति आंदोलन थे 14वीं और 15वीं शताब्दी में रामानंद, कबीर और नानक भक्ति पंथ के उल्लेखनीय प्रस्तावकों के रूप में उभरे थे। इनकी शिक्षाओं ने आम लोगों को लंबे समय से चले आ रहे अंधविश्वास से मुक्त करने में और शुद्ध भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालने में काफी मदद की थी। तो ये किसी विशेष धार्मिक पद से जुड़े हुए नहीं थे, मतलब किसी धर्म की प्रशंसा नहीं करते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे और रीति रिवाजों और समारोहों का कट्टर विरोध किया करते थे। बहुदेववाद की निंदा करते थे, एक ईश्वर में विश्वास हुआ करता था इनका, मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते थे और सभी धर्मों की मौलिक एकता पर जोर दिया करते थे कि मूल रूप से सभी धर्म एक है। तो बात करें अगर रामानंद की, तो रामानंद जो थे वो 15वीं शताब्दी के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उत्तर भारत में एक अग्रणी भक्ति संत के रूप में उभरे। इन्होंने जन्म, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना व्यक्तियों का स्वागत करके भक्ति की प्रथा को लोकतांत्रिक बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रामानंद जी ने। और राम के प्रति समर्पित रामानंद ने दो मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्या की थी। पहला कहा इन्होंने ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और दूसरा मानव भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। तो रामानंद के शिष्यों में उल्लेखनीय थे कबीर, जो कि कबीर जो थे वो मुस्लिम जुलाहे हुआ करते थे, घमंड और स्वार्थ की निंदा करते थे, वंचितों के समर्थक थे। कबीर ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए बात की, गरीबों की विनम्र सादगी और अमीरों के घमंड दोनों की आलोचना की। कबीर ने मानवता के सार्वभौमिक भाईचारे का प्रचार किया और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन को मिटाने का प्रयास किया था। कबीर के बारे में आप पहले भी बेटा काफी कुछ जान चुके हैं। अगले थे गुरु नानक जी, जो कि 1469 से 1538 के बीच रहे। भावुक भक्त हुआ करते थे ये। अपने प्रतिष्ठित पूर्ववर्तियों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए एक नए धर्म की इन्होंने नींव रखी थी, जो कि भारतीय समाज में एक स्थायी प्रभाव के रूप में आज भी कायम है। सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने एक ऐसे पंथ की तलाश की कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्ति को व्यक्त करने में सक्षम था। भगवान के लिए राम, गोविंदा, हरि, मुरारी, रब और रहीम जैसे शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने भरपूर किया, जिसका मतलब था दोनों समुदायों के बीच की बाधाओं को तोड़ना और उन्हें एकजुट करना। इनकी शिक्षाएं जो थी मध्ययुगीन एकेश्वरवादी धर्मों को द्वारा साझा किए गए नैतिक सिद्धांतों की पुष्टि थी, जो कि मानवीय समानता पर जोर देती थी। इनका कहना था कि सभी धर्म समान है, सभी मनुष्य समान। तो जाति की धारणा को खारिज करते हुए किसी व्यक्ति को उसकी सामाजिक स्थिति की बजाय ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए, ये बात इनका कहना था। और ईश्वर मनुष्य के गुणों को जानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। अगले दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। इन्होंने गुनी का लंगर नामक निशुल्क सामुदायिक रसोई की शुरुआत की थी। समानता और भाईचारे को बढ़ावा देते हुए सभी जातियों के अनुयायियों को एक साथ भोजन करने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया। गुनी के लंगर में छवियों और मूर्ति पूजा को त्यागते हुए भगवान को निराकार रूप में इन्होंने देखा। फारसी, हिंदी और पंजाबी में शिक्षित गुरु नानक ने बहुत से व्यवसायों, गतिविधियों और पंथों के लोगों से जुड़ते हुए बड़े पैमाने पर यात्राएं की, बहुत यात्राएं की इन्होंने। और इनकी जो कविताएं और गीत थे उनको आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था। गुरु के रूप में पहचाने जाने के बाद 1538 में इनका करतारपुर में निधन हो गया था। एक क्रांतिकारी धार्मिक सुधारक थे और सच्चे और संपूर्ण जीवन के लिए शिक्षा के महत्व पर इन्होंने जोर दिया कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आत्मा के लिए कमल की तरह विकसित होने का साधन माना। गुरु नानक के सार्वभौमिक संदेश और उचित उपदेशों ने जाति, पंथ और रंग से ऊपर उठ करके भारत में नैतिक पुनर्जागरण को
जन्म लिया था। ईश्वर के अवतार की अवधारणा को खारिज करते थे, खुद को ईश्वर का पैगंबर मानते थे, एक ईश्वर के अस्तित्व पर जोर देते थे और घोषणा करते थे कि ईश्वर के खलीफा ने सच बोला था, यानी कि ईश्वर के पुत्र नानक ने सच बोला था। नानक का भक्ति पर जोर सदाचार के साथ जुड़ा हुआ था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्चा जीवन सत्य की महानता को पार कर जाता है। विनम्रता, दान, क्षमा और दयालु शब्द जैसे गुणों को विकसित करना इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। नानक ने स्मरण पर बहुत बल दिया कि प्रभु का स्मरण कीजिए, स्थिति में भगवान की उपस्थिति का एहसास हुआ इनको। कृष्णवादी वैष्णव के एक उत्साही प्रतिवादक के रूप में चैतन्य ने, अच्छा आगे चैतन्य पर आ गए हम, तो चैतन्य जो थे 1486 से 1533 के बीच में थे। भक्ति आंदोलन में संभवतः सबसे प्रतिष्ठित संत चैतन्य माने जाते हैं। फरवरी 1486 में नवद्वीप में इनका जन्म हुआ। विशंबर का इनका शुरू में नाम विशंबर था, विशंबर से पहले इनका नाम निमाई रखा गया, जन्म के टाइम पर इनका नाम निमाई रखा गया था। इनके पिता जगन्नाथ मिश्रा थे, माँ साची थी, दोनों भी धार्मिक व्यक्ति हुआ करते थे, तो विशंबर को बाद में नाम मिला चैतन्य। ये बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली थे। 15 साल की आयु तक इन्होंने संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण और तर्क शास्त्र में महारत हासिल कर ली थी, जिससे इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली थी। इनके पिता की मृत्यु के बाद छात्र जीवन के दौरान इनकी हो गई थी। उसके बाद इनको अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को मतलब जब ये बच्चे ही थे, स्टूडेंट थे, तभी तो इनके पिता की मृत्यु हो गई, और उसके बाद इनकी पहली पत्नी लक्ष्मी की भी सांप के काटने की वजह से मृत्यु हो गई। इन दोनों घटनाओं का इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो चैतन्य ने 22 साल की उम्र में गया की तीर्थ यात्रा के दौरान संत ईश्वरपुरी से दीक्षा ली थी और उसके बाद वो सन्यास लेकर वहां चले गए थे। तो चैतन्य स्थायी रूप से पुरी में ही बस गए उसके बाद, और वहां उन्होंने तपस्या जीवन में भावनाएं और परमानंद तीव्र हो गए थे। वैराग्य अपनाने का उनका क्या उद्देश्य था, इसका कुछ कारण स्पष्ट होता नहीं है। उन्होंने जाति या पंथ की परवाह कभी नहीं की। घर घर घूम करके भगवान के पवित्र नाम को उन्होंने फैलाने की इच्छा व्यक्त की थी। चैतन्य का जो ईश्वर था, खासतौर पर कृष्ण या हरि के लिए गहरा प्रेम था। कर्म कांड को अस्वीकार करते थे, उनकी पूजा प्रेम और भक्ति हुआ करती थी। उनके निधन के बाद उनकी शिक्षाओं को गौड़ीय वैष्णववाद के नाम से जाना जाने वाला एक संप्रदाय बना था। आगे बात करेंगे शंकर देव की। मध्यकालीन असम के महानतम धार्मिक सुधारक थे। एकेश्वरवाद की बात करते थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित हुआ करता था। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक शरण संप्रदाय। इनके संप्रदाय में भागवत पुराण या श्रीमद भागवत पुराण को गुरुद्वारों में ग्रंथ साहिब की तरह एक संप्रदाय के मंदिर की वेदी पर श्रद्धापूर्वक प्रतिष्ठित किया जाता था। मतलब इनके संप्रदाय में भागवत पुराण को माना जाता था गुरु ग्रंथ साहिब की तरह से। तो मूर्ति पूजा और कर्म कांड दोनों के ही शंकरदेव विरोधी थे, और ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव भक्त संत थे जो कि मूर्ति पूजा के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। यानी कि कृष्ण की पूजा तो करते थे लेकिन कृष्ण की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। तो असम के महानतम वैष्णव संत होने के कारण ये असम के चैतन्य के रूप में भी जाने जाते हैं। जाति प्रथा की इन्होंने हमेशा निंदा की और मातृभाषा में अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था। आगे बात करेंगे सूरदास की, जो कि 16वीं 17वीं शताब्दी में हुए। जन्म और मृत्यु की तारीखों सहित इनके जीवन की बहुत सी घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। भगवान कृष्ण और राधा के कट्टर अनुयायी थे। इनका मानना था कि मोक्ष केवल सगुण भगवान कृष्ण की भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने इनकी तीन प्रतियां थी जो काफी लोकप्रिय रही, सूर सरावरी, साहित्य रत्न और सूर सागर। 1,25,000 छंदों से युक्त इनका सूर सागर जो था, इनके गहन प्रेम और भक्ति के अलावा कृष्ण को एक बाल रूप में चित्रित करने के लिए भी प्रसिद्ध है। तो कृष्ण के बाल रूप की इन्होंने पूरी की पूरी इसमें वर्णन किया है। सूरदास ने सर्वशक्तिमान के प्रति अपनी सच्ची भक्ति व्यक्त करते हुए बाल मनोविज्ञान की काफी गहरी समझ हमें दिखाई है, और सूरदास की रचनाओं और कविताओं का प्रभाव भारत के जन्मास पर आज भी काफी गहरा देखने के लिए मिलता है। अगली बात करेंगे हम तुलसीदास जी की। 1532 से 1623 के दौरान ये रहे। समकालीन विद्वानों द्वारा तुलसीदास को कवि और भक्त दोनों रूप में सूरदास से बेहतर माना जाता है। तो 1532 के आसपास वाराणसी में एक सरयूपालीन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता थे इनके आत्माराम दुबे और माँ थी इनकी हुलसी। पत्नी रत्नावली ने इनको ताना दिया था क्योंकि अपने ससुराल पहुंच गए थे उनके पीछे पीछे। तो तुलसीदास ने उसके बाद अपना सारा जीवन एक धार्मिक साधु की तरह से बिताया। माना जाता है कि 1574 में 42 साल की उम्र में इन्होंने अपनी महान कृति रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। इसके बाद इन्होंने गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका सहित कई उल्लेखनीय रचनाएं की। रामचरितमानस जो है इनका धार्मिक भक्ति के उच्चतम स्तर की गहन व्याख्या करने के रूप में एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तो राम को समर्पित तुलसीदास ने अपने प्रिय देवता का एक आदर्श चित्र इसमें लिखित किया है। राम को भगवान का अवतार मानते थे वो, और उनका विश्वास था कि व्यक्ति भक्ति या भक्ति के मार्ग से राम की निकटता को प्राप्त कर सकते हैं। 1623 में 91 वर्ष की आयु में तुलसीदास का निधन हो गया था।
साथ ही कहा जाता है कि सूर और तुलसी दोनों ही प्रतिष्ठित संत थे, हालांकि पारंपरिक उपदेशक या औपचारिक सुधारक नहीं थे और दोनों ने किसी संप्रदाय या पंथ की स्थापना नहीं की थी। जैसे बाकी सभी संतों के बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने सभी ने किसी न किसी पंथ की स्थापना की, इन लोगों ने किसी संप्रदाय की किसी पंथ की स्थापना नहीं की थी। आगे बात करेंगे दादू की। दादू 1544 से 1603 ईस्वी के बीच रहे। अहमदाबाद में जन्मे दादू ने अपना ज्यादातर जीवन राजस्थान के नारायणा और भरेना में बिताया था। ये चर्मकार या मोची जाति के थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। मूर्ति पूजा, जाति भेद, अवतारों के सिद्धांत, भगवान के पुनर्जन्म, तीर्थ यात्रा, इन सब चीजों के खिलाफ हुआ करते थे। इनका जोर था ईश्वर की एकता को बढ़ावा देने पर। इनके जो अचूकता की धारणा को खारिज करते हुए व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति में इन्होंने विश्वास जाहिर किया था। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की बात किया करते थे। इनके एक संप्रदाय, इन्होंने भी एक संप्रदाय की स्थापना की थी और उनके अनुयायियों को दादूपंथी के नाम से जाना जाता है। इनकी शिक्षाओं में स्थापित सिद्धांतों पर निर्भरता से परे आध्यात्मिक अनुभूति के महत्व पर जोर देते हुए परमात्मा के साथ सीधे और व्यक्तिगत संबंध को प्रोत्साहित किया था। आगे बात करेंगे हम नाथपंथी सिद्ध और योगियों की। इन सुधारकों ने सरल और तार्किक तर्कों का इस्तेमाल करते हुए रूढ़िवादी धर्म के रीति रिवाज और बाकी पहलुओं पर प्रचलित सामाजिक व्यवस्था की कड़ी निंदा की थी, जो कि जाति प्रथा की रीति रिवाज की उनका खंडन करते थे। इन्होंने वैराग्य के महत्व पर बल देते हुए सांसारिक गतिविधियों के त्याग की वकालत की। इनकी शिक्षाओं के हिसाब से मोक्ष के मार्ग में ध्यान शामिल है। इन्होंने आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए मन और शरीर के कठोर परिश्रम, प्रशिक्षण, योग, आसन, श्वास व्यायाम और ध्यान जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। तो आगे बेटा इनके धर्म की जो विशेष बातें थी उनके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए भारत में ब्राह्मण हिंदू धर्म के 5 तरह से चले। पहला था भागवत, दूसरा था सौर धर्म, सूर्य को जो उपासना करते थे। तीसरे थे गणपति धर्म, जो कि गणपति की पूजा करते थे। चौथे थे शैव धर्म, जो कि शिव की या फिर रुद्र की उपासना करते। पांचवे थे शाक्त धर्म पूजा, जो कि शक्ति रूप विभिन्न देवियों की पूजा करते थे। पहला था भागवत, जो कि वैष्णव धर्म था। दूसरा सौर धर्म, जो कि सूरज की उपासना करता था। तीसरा था गणपति धर्म, जो कि गणपति की पूजा करता था। चौथा शैव धर्म और पांचवा शाश्वत शाक्त धर्म। अब इसमें से पहले तीन यानी कि भागवत, सौर धर्म और गणपति धर्म, ये तीनों के तीनों जो थे, ये तीनों के तीनों सौर और गणपति वैष्णव धर्म में अंतर्लीन हो गए। तीनों के तीनों मिलकर के वैष्णव धर्म की विष्णु की उपासना के धर्म बन गए, जो कि अवतारवाद की बात करते थे। अब इसमें से दो रूप बने, सगुण और निर्गुण। सगुण जो थे वो इष्ट की उपासना करते थे, निर्गुण जो थे एकेश्वरवाद की बात करते थे। बाकी सारे के सारे जो शैव धर्म और शाक्त धर्म वो बीच में ही रह गए। केवल विष्णु धर्म की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये सगुण और निर्गुण बन गए। सगुण में क्या हुआ, सम भक्ति प्रमुखाचार्य और कृष्ण राम भक्ति प्रमुखाचार्य और कृष्ण भक्ति विचारधारा के आचार्य कौन कौन से रहे। राम भक्ति के आचार्य रहे रामानंद, तुलसीदास, मलुकदास, केशवदास, भरकरी और रामा वत्स संप्रदाय। कृष्ण भक्ति के रहे श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, आधुनिक वैष्णववाद, वारकरी संप्रदाय के संत तुकाराम, एक शरण संप्रदाय के शंकरदेव, महानुभाव पंथ के रहे गोविंद प्रभु और सहजिया संप्रदाय के रहे चंडीदास, पुष्टि मार्ग के रहे विठलदास, संत नामदेव, संत एकनाथ, नरसिंह मेहता, सूरदास, रस खान, मीराबाई, अष्टछाप कवि और ललित संप्रदाय के रहे प्रणामी संप्रदाय और शुक संप्रदाय के रहे संत ज्ञानेश्वर। इसके बाद बात करेंगे प्रेमाश्रयी कवियों की। प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि थे वो थे संत कबीर, कबीर पंथ सुरित गोपाल धर्मदास थे, दादू पंथ के दादू दयाल थे, नानक पंथ के गुरु नानक देव थे, उदासी संप्रदाय के श्री चंद थे, सुंदरदास थे, रज्जब थे और शिव नारायण थे। ज्ञानाश्रयी शाखा के आदि गुरु शंकराचार्य, अद्वैतवाद स्मृति संप्रदाय। ये सारे सारे बेटा इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। आप इसका चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए बेटे, ये आपके काम आ जाएगा। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं बेटे, ठीक है। इसके बाद अगली बात हम करेंगे, जो हमारे जो ये थे कवि जो थे, ये सब किस किस जाति के थे, सभी के सभी आमतौर पर जो उस टाइम पर निचली जातियां कही जाती थी उनसे थे आमतौर पर ये लोग। इनके साथ में क्या विशेषता थी, इनकी कबीर जो थे वो जाति से मुस्लिम थे, जुलाहा थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे। सेना जो थे वो नाई थे, साधना जो थे वो बंधवगढ़
बंधनगढ़ आधुनिक रीवा के राजा के दरबार में काम किया करते थे। रविदास मोची हुआ करते थे। धन्ना जो थे वो राजपूताना जाट किसान थे। नरहरि सुनार हुआ करते थे और पीपा जो थे राजपूत राजकुमार थे। तो इसके बाद बेटा रह जाएगा भक्ति आंदोलन में महिलाएं और भक्ति आंदोलन का समाज के लिए महत्व। इनको हम एक अलग वीडियो में करेंगे। इतने आप लोग इसको अच्छी तरह से